दोस्तों हम जब कोई नया फ़ोन खरीदते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, तो जो चीज़ दिमाग में पहले आते हैं कि भाई पुराने फ़ोन का डाटा नए में कैसे ट्रांसफ़र करे। अभी एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड और आईफोन टू आईफोन पर तो आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जब बारी आता है एंड्रॉयड टू आईफोन या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड, तब आ जाते हैं दिक्कतें। अगर आप कैसे भी करके फोटोज और वीडियोज एंड्रॉयड टू आईफोन पर शिफ्ट कर भी लेते हो, लेकिन जब बारी आता है व्हाट्सएप का चैट बैकअप, तब आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि एंड्रॉयड का जो चैट बैकअप है व्हाट्सएप का, वो रहते हैं गूगल ड्राइव पर और आईफोन पे रहते हैं आई क्लाउड पर। दोनों अलग अलग क्लाउड स्टोरेज होने के वजह से आप व्हाट्सएप का चैट बैकअप एक दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोग ऐसा एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप हर एक टाइप का डाटा एक फोन से दूसरे फोन पर, यानी एंड्रॉइड टू आईफोन या फिर आईफोन टू एंड्रॉइड पर ट्रांसफर कर सकते हो। खास करके एंड्रॉइड का व्हाट्सएप चैट आईफोन पर कैसे ट्रांसफर करें वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और ज्यादा बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है WonderShare की तरफ से डॉक्टर फोन, इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री में ही आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप भी जाके कर लो। इंस्टॉल करना काफी आसान है, आप जैसे दूसरे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी इंस्टॉल करते हो, सेम वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाता है कॉम्प्लीट ऑल इन वन सॉल्यूशन डाटा ट्रांसफर करने के लिए, और भी काफी सारे फीचर है इस पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीन का लॉक वगैरह आप अनलॉक कर सकते हो, सिस्टम रिपेयर, फोन ट्रांसफर, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में बात आज नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप ट्रांसफर के बारे में। तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप ट्रांसफर पर क्लिक करना है। इधर भी आपको तीन अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, बैकअप, रीस्टोर और ट्रांसफर। मैं पहला जो ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इधर दो अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करना होगा, जो सोर्स डिवाइस यानी जो आपका पुराना डिवाइस है उसको आपको पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद जो टारगेट डिवाइस है उस पर आपका नया फोन कनेक्ट करना है। तो मैं सोर्स डिवाइस पर मेरा एंड्रॉइड रियलमी 5 प्रो कनेक्ट कर लिया, टारगेट डिवाइस पर आईफोन 11 कनेक्ट किया। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरह कनेक्ट कर लेना है। फोन कनेक्ट होने वक्त आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, जैसे कि आपके एंड्रॉइड फोन का जो व्हाट्सएप है उसके सेटिंग पर आके आपको जो ऑटोमेटिक चैट बैकअप है उसको ऑफ करना है। देन जो बैकअप ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताएगा जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। देन नेक्स्ट क्लिक करते ही आपका ट्रांसफरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप इधर आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, डिपेंड करते हैं आपके चैट फाइल के साइज के ऊपर। मेरा लगभग 15 से 20 मिनट लग गया था इस प्रोसेस में। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग सकता है बहुत कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रांसफर 100% कंप्लीट होने के बाद आपके आईफोन ऑटोमेटिकली एक बार रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आप उसको अनलॉक करके जब भी व्हाट्सएप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोग अभी देख पा रहे हो मेरे जितने भी चैट्स एंड्रॉइड फोन पर था वो सारे के सारे अभी आईफोन पर आ गया है। वीडियो बस तक इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और मैं फिर से बता रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके आप लोग फ्री में ही इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इनके फीचर्स पसंद आते हैं इस सॉफ्टवेयर का, तब जाके इसको आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।